दुनिया की तारीख ऐसे बादशाहों से भरी पड़ी है जिन्होंने तख्तो ताज के लिए अपने भाइयों और अजीज व अकारिब को कत्ल किया और उसके बाद बड़े ही पुरवकार तरीके से हुकूमत की और इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुगल शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहां का शुमार भी ऐसे ही बादशाहों में होता है जिसने तख्त के लिए अपने तीन भाइयों को कत्ल किया, उनके खानदानों को कत्ल किया और मुगलिया सल्तनत का तख्त संभाल लिया। मगर शहाबुद्दीन शाहजहां का अंजाम बाकी बादशाहों से काफी मुख्तलिफ था। 30 साल पहले शहाबुद्दीन शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत का तख्त हासिल करने के लिए जिस जालिमाना रस्म का आगाज किया था उसका अंजाम भी उसको अपनी ही आंखों से देखना पड़ा जब उसके चार बेटों ने तख्त के लिए एक दूसरे से जंग शुरू कर दी और उसके एक बेटे आलमगीर औरंगजेब ने उसके बाकी तीनों बेटों को कत्ल किया, शहाबुद्दीन शाहजहां को किले में कैद किया और मुगलिया सल्तनत के तख्त पर कब्जा कर लिया। शहाबुद्दीन शाहजहां ने जिस वक्त मुगल सल्तनत की बाग दौड़ संभाली तो शायद उसने ये सोचा भी ना होगा कि उसकी हकूमत का इख्तिताम इतने भयानक तरीके से उसी के बेटे के हाथों होगा। 16 सितंबर 1657 को मुगल शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहां शदीद बीमार हो गया। बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि शहनशाह अवाम को अपना दर्शन करवाने से भी महरूम हो गया। इन तमाम हालात की वजह से सल्तनत में सियासी बहरान पैदा हो गया और अवाम में ये चैमगोयां होने लगी कि शायद शहाबुद्दीन शाहजहां अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब उसके बेटों में तख्त के लिए एक खूनी जंग भी हो सकती है। शाहजहां को खुद भी यकीन हो गया कि शायद अब वो इस बीमारी से कभी सेहतयाब नहीं हो सकेगा, इसलिए उसने अपने सबसे बड़े और सबसे लाडले बेटे दारा शिकोह को मुगलिया सल्तनत का नया जानशीन मुकर्रर कर दिया और तमाम अमूर सल्तनत दारा शिकोह के सुपुर्द कर दिए। मगर शाहजहां शायद ये बात जानता नहीं था कि उसके इस इकदाम की वजह से उसके बाकी तीनों बेटों शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श की तरफ से इतना शदीद रद्द अमल आएगा कि बात जंग तक जा पहुंचेगी। तख्त के चार दावेदारों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह। वो फलसफा, तसव्वुफ और मुख्तलिफ मजाहिब के मुताले का शौकीन था। दारा शिकोह वसी नजर भी था और ये सिर्फ हिंदुस्तान जैसे वसी मुल्क पर हकूमत करने के लिए जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आबाद हों बहुत जरूरी थी। दारा शिकोह के बेदाग किरदार, आज़ाद ख्याली, रहम दिली, हमदर्दी और इंसान दोस्ती ने उसको अवाम में भी इतना ही हर दिल अजीज कर दिया था जितना कि उसके बाप शाहजहां की नज़रों में। मगर दारा शिकोह ने अपना ज़्यादातर वक्त शाही महल में अपने बाप शहाबुद्दीन शाहजहां के साथ गुजारा और यही वजह थी कि वो कभी सही तरह से इंतजामी अमूर सर अंजाम दे ही ना सका था। शाही महल में रहते हुए दारा शिकोह ने शहाबुद्दीन शाहजहां के साथ मुख्तलिफ सियासी अमूर सर अंजाम दिए मगर वो जंगी हवाले से बिल्कुल नावाकिफ था। वो शायद ये बात तो सीख चुका था कि सियासत कैसे की जाती है और अमूर सल्तनत को कैसे चलाना है, मगर शायद वो ये ना सीख सका था कि अगर तख्त को हासिल करने के लिए जंग करना पड़ी तो वो जंग कैसे की जाएगी। तख्त का दूसरा दावेदार शाहजहां का दूसरा बेटा शाह शुजा था। वो बासलीका लेकिन आराम तलब था। शाह शुजा को शाहजहां की तरफ से बंगाल का सूबेदार मुकरर किया गया था। बंगाल का इलाका इंतहाई पुरअमन इलाका था, इसीलिए शाह शुजा वहाँ अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में बसर करता रहा। मगर इसके साथ ही वो अमूर सल्तनत चलाने का माहिर और एक तजर्बाकार सिपाही सालार भी था। तख्त का अगला दावेदार शहाबुद्दीन शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब था। औरंगजेब अपने नजरियात में अपने दोनों भाइयों से मुख्तलिफ एक रासिखुल अकीदा मुसलमान था और ये बातें इसके किरदार की कमजोरी भी थी और मजबूती भी। औरंगजेब माहिर अदीब और लायक सिपाही सालार था। वो कलम और शमशीर दोनों पर यकसा महारत रखता था। उसको कुदरत में तहम्मुल और पुख्ता इरादों के अलावा इंसानी कमजोरी की परख और सियासी चालाकी भी अता कर रखी थी। औरंगजेब अपने भाइयों की तरह ऐश परस्त ना था बल्कि वो अंथक मेहनत करने का आदि था और हर वक्त अपने मकासिद को हासिल करने के लिए लगा रहता था। औरंगजेब में एक खूबी ये भी थी कि वो सियासी मामलात में कभी भी किसी पर यकीन नहीं करता था और ना ही उसके साथ मौजूद लोग उस पर यकीन करते थे, मगर औरंगजेब ये बात जानता था कि लोगों से कैसे काम लिया जाता है। औरंगजेब अपनी जवानी की उम्र में ही किसी न किसी महाज पर मसरूफ रहा, कभी बगावतों को कुचलना तो कभी नए इलाकों को फतह करना। पूरी जिंदगी की जंगो जदल में
औरंगजेब को एक तरफ तो माहिर सी पैसादार बना दिया और दूसरी तरफ उसको एक सख्त इंसान बना दिया जिसको किसी पर भी रहम नहीं आता था। तख्त का आखिरी और चौथा दावेदार शहाबुद्दीन का सबसे छोटा बेटा शहजादा मुराद था। मुराद बख्श एक माहिर सिपहसालार था, मगर इसके साथ वह ऐशपरस्त और आराम तलब भी था। दारा शिकोह सल्तनत के नए जानशीन बनने के बाद सल्तनत में ये अफवाहें सरगर्म हो गई कि अब सारा सल्तनत का निजाम दारा शिकोह ही चला रहा, जिसके बाद दारा शिकोह के तीनों भाइयों को ये शक होने लगा कि शायद अब दारा शिकोह पूरी सल्तनत पर कब्जा करेगा। दारा शिकोह ने सल्तनत का वली अहद बनने के बाद जो सबसे पहला इकदाम किया वो ये था कि शाही महल में जितनी कनीजें या जितने भी गुलाम या वजीर औरंगजेब या बाकी भाइयों के लिए जासूसी कर रहे थे उन पर पाबंदी लगा दी गई। दारा शिकोह की तरफ से इस पाबंदी का मकसद सिर्फ ये था कि उनके भाइयों तक कोई गलत इतला ना पहुंचे, मगर जब ये पाबंदी लगी तो इसका नतीजा दारा शिकोह की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। जब औरंगजेब और बाकी दोनों भाइयों को अपने जासूसों की तरफ से कोई भी पैगाम ना मिला तो उनका शक यकीन में बदल गया कि अब उनका वालिद शाहजहां इस दुनिया में नहीं रहा और अब दारा शिकोह पूरी सल्तनत पर कब्जा करने के लिए तैयार है। इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद शाहजहां ने अपने तीनों बेटों को अपने नाम और अपनी मोहर के साथ खतूत अरसाल किए, मगर तीनों बेटों ने उन खतूत को मानने से इनकार किया और उनका जवाब ये था कि शायद ये खत उनके भाई दारा शिकोह ने लिखे। अब तीनों भाइयों ने एक ही मुतालबा किया कि वो तब तक इस बात पर यकीन ना करेंगे कि शहनशाह जिंदा हैं जब तक वो अपनी आंखों से शहनशाह को देख नहीं लेते। इसीलिए उन्होंने मुतालबा रखा कि वो अपनी अफवाज के साथ सल्तनत के पाए तख्त में आएंगे ताकि वो शहनशाह को देख सकें। मगर ये इकदाम खतरे से खाली नहीं था कि अगर तीन सूबों की फौज को पाए तख्त में इकट्ठा किया जाता है तो उसकी वजह से सल्तनत में खाना जंगी हो सकती है, और दूसरी तरफ तीनों भाइयों को यह खतरा था कि अगर वो अपने चंद गुलामों के साथ पाए तख्त में जाते हैं तो शायद दारा शिकोह उनको कत्ल करवा दे। सबसे पहले शाह शुजा और मुराद ने शाहजहां की मौत का यकीन करते हुए अपने अपने सूबों में अपने हुक्मरान होने का ऐलान कर दिया। दोनों भाइयों के सूबे में उनकी ताजपोशी की गई, उसके बाद उनके नाम के खुतबे पढ़े गए। मुराद बख्श एक कदम और आगे निकला और उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए। मुराद बख्श और शाह शुजा ने यकजा होकर पाए तख्त पर हमला करने का ऐलान कर दिया। तीनों भाइयों के दरमियान खत्तो खिताबत शुरू हुई, जिसके बाद वो एक मुआहदे पर पहुंचे और उस पर दस्तखत कर लिए। इस मुआहदे में सल्तनत की तकसीम का जिक्र था। इस मुआहदे के मुताबिक काबुल, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान और सिंध के सूबे को मिलाकर एक अलहदा सल्तनत कायम की जाएगी जिस पर मुराद काबिज होगा। इसके अलावा मुराद को लड़ाई में हासिल शुदा माल गनीमत का एक बड़ा हिस्सा भी मिलेगा। औरंगजेब का मामला अपने दोनों भाइयों से मुख्तलिफ था। इसकी वजह यह नहीं थी कि उसको शहनशाह बनना पसंद नहीं था, बल्कि उसकी वजह यह थी कि वो उजलत पसंद ना था, और इसकी एक वजह यह भी थी कि उसको शहनशाह शाहजहां की मौत का पूरा यकीन नहीं था, और ना ही उसको ये मुनासिब लगा कि दक्कन के मुल्की इंतजाम और दिफाई उमूर को अधूरा छोड़कर पाए तख्त की तरफ रवाना हो जाए और बाकी बची तमाम सल्तनत पर औरंगजेब और शाह शुजा आपस में मामला को तय करें। इसके बाद तीनों भाइयों ने अपनी अपनी अफवाज जमा की, औरंगजेब और मुराद बख्श ने अपनी फौजें यकजा की और दिल्ली की तरफ रवाना हो, जबकि शाह शुजा अपनी फौज अकेला लेकर निकला और वो भी दिल्ली की तरफ रवाना हो। दूसरी तरफ दारा शिकोह और शाहजहां ने भी अपनी फौजों को तीन हिस्सों में तकसीम किया। एक फौज की कयादत सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह का बेटा था उसको दी गई, जबकि बाकी दो फौजें दो और से पैसा लाने को। ये फौजें इसलिए रवाना की गई कि वो शहजादों को पाए तख्त की तरफ पेशकदमी से रोकें। शहनशाह शाहजहां ने एहतियातन इन फौजों को हिदायत की थी कि वो खुद से झगड़ा ना शुरू करें, बल्कि पहले शहजादों को समझाएं और उनको वापस लौटने पर मजबूर करें। सलमान शिकोह अपनी फौज लेकर शाह शुजा को रोकने के लिए निकला और बनारस से 5 मील के फासले पर दोनों फौजें 14 फरवरी 1658 को एक दूसरे के आमने सामने हुई। शाही फौज ने शाह शुजा की फौज पर एक जबरदस्त हमला किया। शाह शुजा ने बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला किया, मगर बिल आखिर वो भागने पर मजबूर हो गया। उसके कैंप में मौजूद सारा साजो सामान लूट लिया गया और उसकी फौज मुंतशिर हो गई।
इसी दौरान शाही महल से सलमान शिकोह को हुक्म सादिर हुआ कि वो जल्द से जल्द शाह शुजा से सुलह करे और वापस लौट आए, क्योंकि धुरमुट के मुकाम पर दूसरी शाही फौज को मुराद और औरंगजेब के हाथों शिकस्त हो चुकी थी और वो दोनों अब तेजी से पाए तख्त की तरफ आ रहे थे। इस दौरान शाहजहां मुसलसल मुराद बख्श और औरंगजेब से खत खिताबत में उनको मनाने की कोशिश करता रहा, मगर मुराद बख्श और औरंगजेब ने अपने वालिद की एक ना मानी और पाए तख्त की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखी। औरंगजेब ने अपने वालिद को यह तजवीज दी कि सल्तनत को चार हिस्सों में तकसीम करके चारों बेटों को सल्तनत का एक एक हिस्सा दे दिया जाए, मगर शाहजहां ने इस तजवीज को मानने से इनकार कर दिया। इस जंग के दौरान तीनों बेटों को इस बात का इल्म हो चुका था कि उनका वालिद शाहजहां अभी जिंदा है, मगर अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। औरंगजेब की फौजें अब दरिया चंबल के करीब पहुंच चुकी थी और अब दारा शिकोह ने एक आखिरी कोशिश की कि अपने भाइयों को इस जंग से रोका जाए। जहां आरा बेग जो कि औरंगजेब की बड़ी बहन थी, शाहजहां की तरफ से उसको भेजा गया कि वो औरंगजेब को मनाए। जहां आरा ने औरंगजेब को मशवरा दिया कि वो बाप की नाफरमानी ना करे और अपनी जगह पर कायम रहे, अपनी शिकायत को शहनशाह के हुजूर पेश करे ताकि उनका तिदराक किया जा सके। इस दौरान औरंगजेब की तमाम पुरानी शरायत को मान लिया और उससे ये भी वादा किया गया कि वो सल्तनत के तख्त का वारिस बनेगा और उसके बाद दारा को पंजाब का इलाका, मुराद को गुजरात, जबकि शुजा को बंगाल का इलाका दिया जाएगा और औरंगजेब के बेटे मुअज्जम को दक्कन का सूबेदार बनाया जाएगा। ये तमाम शरायत वो थी जिनके लिए औरंगजेब पहले खुद बादशाह को खत लिख चुका था, मगर उस वक्त बादशाह ने इनकार किया। अब शहनशाह का मान जाना इस बात की दलील था कि वो घबरा चुका था। अब औरंगजेब इस मामले को एक बेरहम सियासतदान की तरह देख रहा था। अब औरंगजेब को जंगी और सियासी एतबार से शाहजहां और दारा शिकोह पर बहुत ज्यादा बर्तरी हासिल थी, इसलिए औरंगजेब ने शाहजहां की तमाम शराइत को मानने से इनकार कर दिया और वाज़े ऐलान कर दिया कि अब फैसला तलवार के जरिए ही होगा। इन तमाम हालात में दारा शिकोह को पीछे हटना पड़ा और वो दारुल हुकूमत आगरा से 8 मील मशरिक की तरफ समोगढ़ के मुकाम पर गए और अपनी 50 या 60 हजार के करीब फौज के साथ अपने भाइयों के हमले का इंतजार कर रहे। जंगी एतबार से ये दारा शिकोह की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि औरंगजेब और मुराद बख्श की फौजें पिछले कई महीनों से जंग कर रही थी और वो शदीद थक चुकी थी। अगर दारा शिकोह हमले में पहल करता तो शायद उस जंग के हालात कुछ मुख्तलिफ होते। आखिरकार 31 मई 1658 को सामोगढ़ के रतीले मैदान में तारीख हिंद की एक फैसला कुन जंग, जो तखनशीनी की जंगों में सबसे बड़ी जंग थी, वो छिड़ गई। दारा शिकोह और उसके सिपाहियों ने इस जंग को बहुत दलेरी से लड़ा, मगर बिल आखिर फतह औरंगजेब और मुराद बख्श के हिस्से में आई। इस जंग में शिकस्त के बाद दारा शिकोह बहुत ही मुश्किल से फरार होकर आगरा किले पहुंचा, जहां पर उसने जितना भी सोना इकट्ठा हो सका वो किया और अपने अहले खाना को लेकर दिल्ली फरार हो गया। समोगढ़ की फतह के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को खत लिखा जिसमें उसने सारा इल्ज़ाम दारा पर थोप दिया। औरंगजेब ने खत में लिखा कि मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, मगर दारा ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। मगर अब मैं आगरा को फतह करने के लिए आया हूँ, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इस खत को लिखने के बाद औरंगजेब ने आगरा का रुख किया और आगरा किले का मुहासरा कर लिया। शाहजहां ने औरंगजेब को ठंडा करने की बहुत कोशिश की और उसको 3 मरतबा खत लिखा कि वो अपने बाप से मिलने आए, मगर ये बात तो वाजे थी कि शाहजहां दारा शिकोह को बहुत चाहता था, इसलिए औरंगजेब के हवारियों ने उसको ये मशवरा दिया कि अगर वो अकेला बादशाह से मिलने जाएगा तो इसमें कोई चाल भी छुपी हो सकती है, जिससे औरंगजेब की जान को खतरा भी हो सकता है। औरंगजेब ने शाहजहां की तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए किले का मुहासरा जारी रखा। शाहजहां से जहां तक हो सका उसने किले का दिफा किया, क्योंकि ये किला फतह करना औरंगजेब के लिए इतना आसान ना था। इसलिए औरंगजेब ने यह फैसला किया कि जमुना दरिया का पानी जो किले में जाता है इसको बंद कर दिया जाए। औरंगजेब की यह तरकीब कारगर साबित हुई और जल्द ही इसके नतायज आना शुरू हो गए और आखिरकार 8 जून 1658 को शाहजहां ने किले के दरवाजे खोल दिए और किला मुखालिफीन के हाथ आ गया और इस तरह मुगलिया सल्तनत पर 30 साल हुकूमत करने वाले शहाबुद्दीन शाहजहां का दौर खत्म हो गया।
10 जून सन 1658 को औरंगजेब ने दरबार में बगैर किसी हंगामे या रस्मी ताजपोशी के हुकूमत शुरू कर दी। इसने इन रसूमात को उस वक्त तक के लिए मुलतवी कर दिया जब तक वो अपने भाइयों से निमट न ले। इसके बाद औरंगजेब ने दिल्ली का रुख किया जहां वो दारा शिको को पकड़ सके, मगर दारा शिको वहां से भी फरार हो गया। अब औरंगजेब ये जान चुका था कि दारा शिको में अब उससे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं, इसलिए उसने अपनी कुछ फौज दारा शिको के ताकुब में छोड़ दी। बिलाखिर दारा शिको को गिरफ्तार कर लिया गया और 30 अगस्त सन 1959 को दारा शिको को औरंगजेब के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। 2 साल बाद सन 1661 में औरंगजेब ने अपने बाकी दोनों भाइयों मुराद बख्श और शाह शुजा को भी कत्ल कर दिया और इस तरह वो मुगलिया सल्तनत का अकेला और वाहिद वारिस रह गया। 30 साल मुगलिया सल्तनत के तख्त पर हुकूमत करने वाला, तख्त के लिए अपने भाइयों को कत्ल करने वाला शाहजहां, जिसको अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल अपने ही बेटे के हाथों आगरा किला में कैद में गुजारने पड़े और बिल आखिर 22 जनवरी सन 1666 को 74 साल की उम्र में आगरा किले में शाहजहां की मौत हो गई, जिसको उसकी बेगम के साथ ताजमहल में दफन किया गया। इंशाल्लाह ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।